जन्म हुआ है, मानव जीवन मिला है, कुछ क्षणों का जिंदगी है, इसका कोई किसी को ठिकाना नहीं है। हम लोग का ये भी सौभाग्य है कि भारत जैसे देश में जन्म हुआ, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम भजन भक्ति करते हुए देश की सहयोग करें, राष्ट्रभक्त भी बने। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि देश का हमारे ऊपर बहुत बड़ा सहयोग है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबकी उत्पत्ति धरती से, सब जीवों प्रतपाल। कहते हैं कि सबका जन्म धरती से होता है और सबका ये पालन पोषण भी करती है। इसी धरती से अनाज उपजता है जिसे हम लोग खाते पीते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि इस राष्ट्र भूमि के लिए हम जिए और मरे। हमारा कर्तव्य है इस भारत माँ की रक्षा करना और इस भारत देश में ये टुकड़ों में न बटे। जो भी है वो सब इस भारत माँ की संतान है। तो हम अगर आपस में प्रेम बनाकर नहीं रहेंगे, नफरत फैलाएंगे, तो बट जाती है माँ, और माँ को बटना ठीक नहीं है। भारत माँ बहुत बड़ा विशाल थी, लेकिन बटता गया, बांटने वाले हम लोग हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि चाहे हम राजनेता हो, भगत हो, साधु हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, जिस भी जो भी हो, सबका कर्तव्य है कि सबसे ऊपर देश भक्ति होनी चाहिए। हम देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। हमारे ऊपर इस देश का बहुत बड़ा सहयोग है। किसी ने कपड़ा बिना, किसी ने हमारे लिए जूता बनाया, किसी ने भोजन पैदा किया, ये सब हमारे देश में, हमारे जीवन में सबका सहयोग होता है। तो हम भी देश के लिए कुछ सहयोग करें, कुछ प्राणी पदार्थों के लिए सहयोग करें, ये हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य में हम सहयोग करें, ये नहीं कि हम भारत या देश को ही नुकसान करें, हान करें। जो बन सके हम उसे अच्छा काम करें। भारत देश में धप्पा आने वाली या नुकसान होने वाला हम काम को न करें। जैसे कहा जाता है कि किसी गांव में आग लगा था तो एक चिड़ई जो थी वो अपने ठोड़ में पानी लेकर जाती थी। किसी ने पूछा कि ये ठोड़ में पानी ले जाकर क्या करेगी, तो संतों ने बताया कि ये कम से कम कुछ तो पानी डालेगी, तमाशा तो नहीं देख रही है, जला तो नहीं रही है। ठीक इसी प्रकार हमारी जिम्मेवारी, हम भारत देश को जलाए नहीं, उसे शीतल बनाए, उसे आग को बुताए, नफरत की आग न जलाए। बन सके, जितना बन सके उतना हम देश हित में काम करें। अपने स्वार्थ, अपने लालच में, धन के लिए, कुर्सी के लिए हम समाज में, समाज को न भटकाए, समाज में नफरत न फैलाए, क्योंकि हमारी एक गलती देश का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। ये हमारा इतिहास बताता है। हमारा जीवन थोड़े दिन का है, छूट जाएगा, लेकिन जो हम कर्म किए रहेंगे, अगर देश हित में किए तो वो भी फलेगा फूलेगा, और देश का अगर अहित किए तो वो भी फलेगा फूलेगा। रावण का एक ही मनोकांक्षा पूरे लंका को बर्बाद कर दिया। दुर्योधन की मनोकांक्षा पूरे कौरों का सर्वनाश कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का संगीता से मोह होना हिंदू राष्ट्र को बर्बाद कर दिया। जो वास्तव में एक आदमी की गलती से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस बात को हम समझें, आपस में हम सब मिलकर रहें, इसका संदेश दें। हम सब भारत माँ के संतान है, दो दिन की जिंदगी है,
कर सके तो अच्छा काम करे, नहीं बन पाता है मत बने बनावे, लेकिन नुकसान देश को मत करे। क्योंकि जब भी देश का नुकसान हुआ तो उसका कारण मनुष्य हुए, तो मनुष्य को ये बात समझना चाहिए जीवन अनमोल मिला है। बड़ी मुश्किल से इस देश को लोगों ने संवारा, साधु संतों ने तीन सवारे देश को, सती संतों और सूर तीन बिगाड़े देश को, कायर कपटी को। कहा जाता है कि देश को तीन लोग सवारे, सती संत और सूर। संत महात्मा भी अपने घर बार को छोड़कर समाज के कल्याण के लिए चला करते हैं, ज्ञान और शिक्षा दिया करते हैं। सती भी पति के लिए और पुत्र के लिए काम करती है। नारियों से ही जवान पैदा होता है, विद्वान पैदा होता है, इसलिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और सूर कहते हैं जो देश के रक्षा में सीमा पर लड़ते हैं, घर द्वार परिवार छोड़कर तमाम लोग शहीद हो जाते हैं, मौत को हंसते हंसते गले लगा लेते हैं, फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं। हजारों लोगों ने अपनी जान की आहुति दिया, हंसता खजलता परिवार को छोड़ा, पराड़ी पदार्थ के इन रंगारंग दुनिया को छोड़ा और देश के लिए कुर्बान हो गए। तब हमें भारत की स्वतंत्रता मिली, भारत की आज़ादी मिली। आज भी हमारे देश के फौजी बॉर्डर पर मरते हैं और लड़ते हैं। तो हम लोग को ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम हर बात हर काम देश हित में सोचे, देश के लिए करें। कहीं हमारा हमें लालच में पढ़कर, पक्षपात में पढ़कर, किसी से द्वेष में पढ़कर हम देश को तो नुकसान नहीं करते हैं, कहीं भारत देश के बंटवारा के कगार पर तो नहीं ले जाते हैं, कहीं इस भारत देश को बर्बाद तो नहीं करते हैं। इस बात को एक बार नहीं 100 बार सोच लिया करें, क्योंकि जो समय निकल जाता है वापस नहीं आता है। एक व्यक्ति का मनोकांक्षा से भारत के हजारों लोगों को दुख सहना पड़ा और खून के आंसू रोना पड़ा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सोच ले, जान ले, समझ ले, ये हमारी मातृभूमि है और मातृभूमि के साथ हम कभी भी गद्दारी न करें। यहाँ के सभी लोग, जितने लोग हैं, वो सब हमारे भाई हैं। अगर किसी से कोई अगर गलती होता है तो उस पर हम तर्क करें, सुधार की बात करें, खून खराबा नहीं। ये भारत देश में हिंसा का जगह नहीं है, यहाँ प्रेम की बरसात होती है। इस बात को हम समझे साहेब।